वेलकम बैक मेडिकल, मैं हूँ आपका अपना राजवर। आज आपके सामने FZS वर्जन 2 और ये है पुराना मॉडल जिसको बनाया गया है। फ्रंट पर देख सकते हैं, आपको देखने मिल रहा होगा ब्यूटीफुल लुकिंग जैसा MT का फेस, जो कि आप देख सकते हैं। देखने के बाद जज भी नहीं होगा आगे से MT50 नहीं जा रही है या आपकी पुरानी वाली FZ, ये जज ही नहीं हो पाएगा क्योंकि लुक ही ऐसी कर दी गई है, पूरी तरीके से चेंज हो गया है। और साथ में सारी डिजाइनिंग बना दी गई है, नीचे विंगलेट लगा दी गई है और नीचे देखेंगे तो आपको लगा दे प्रोजेक्टर जो कि येलो और व्हाइट वाला है। इसकी मैं आपको रोशनी चेक कराता हूँ। ये देखिए, ये आपकी हो गई येलो, ये आपका हो गया व्हाइट। तो येलो व्हाइट का फोकस है इसके अंदर जो कि लगाया गया है और लुक आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन आ रही है इधर से। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं इसके अंदर वाइजर, क्योंकि ये लगा हुआ है MT15 का ही और मोटो जिसका ओरिजिनल है, रेड एंड ब्लैक की मैचिंग के साथ मेटल का वाइजर होता है। अपने साथ में इंडिकेटर लगा रखे हैं जो कि KTM स्टाइल वाले इंडिकेटर हैं और इसमें भी आपके हैजार्ड लगा हुआ है, क्योंकि हैजार्ड जब ऑन करेंगे तो अलग अलग पैटर्न्स हो जाते हैं चेंज इसके। ये देख सकते हैं जितनी बार करेंगे ऑन उतनी बार पैटर्न होंगे इसके चेंज, तो पैटर्न चेंज होते रहेंगे जितनी बार करेंगे। उसके बंद करने के बाद बंद कर दो, यही हो गया बंद। और इसके बाद आपको देखने मिलेगा इसमें नीचे देखने मिलेगा नंबर वन फ्रेम जो कि कर दिया गया है इसके अंदर फिट, प्रॉपर इंस्टॉलेशन इसी गाड़ी का है, कोई जुगाड़ नहीं कोई कुछ नहीं। और ऊपर नंबर का फ्रेम जो कि इसमें लगा दिया गया है, नीचे आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर फॉर्क लाइटर जो कि रेड कलर की मैचिंग के साथ लगा दिए गए हैं। दोनों तरफ देखने को मिलेगा इसमें आपको शॉकर और डिस्प्ले, ये दोनों हो जाते हैं आपको पूरी तरीके से सेफ। और साथ में इसमें लगाए गए लीवर जो कि एडजस्टिंग वाले लीवर हैं, ये अपने फिंगर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो इसे। और रेड कलर की मैचिंग के साथ रेडी लगाया गया है, वो काफ़ी लुक इनहेंस हो रही है इसे लगने के बाद। आप देखिए दोनों तरफ बहुत ही भारी, तो काफ़ी अच्छी लुकिंग आ रही है इसे लगने के बाद। देख सकते हैं आप रेड कलर की मैचिंग का जो कि लीवर है और साथ में आपको देखने मिला सुपर बाइक वाले इसके अंदर हैंड ग्रिप जो कि इसके अंदर लगा दे ब्लैक एंड रेड की मैचिंग के साथ ही। और इधर आपको देखा बार एंड मिरर जो कि रेड एंड ब्लैक की मैचिंग ये भी है, साथ में इसमें नाइट विजन वाला मिरर लगा हुआ आप देख सकते हैं, जो कि रात में चलने के बाद आपकी लाइट वगैरह कोई भी अड़ेगी आपको आपको में नहीं पड़ने वाली है इसके अंदर। लुक आप देख सकते हैं फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त लग रहा है आगे से। और साथ में इसमें लगाया की कवर, ये देख सकते हैं ये की कवर इसमें लगा देगा CNC का। और साथ में इस गाड़ी की पूरी की गई है रैपिंग, पूरी गाड़ी रैपिंग की गई है। इस गाड़ी का कलर था वाइट, फुल वीडियो में पूरी इसलिए शूट नहीं पाया, काम थोड़ा ज़्यादा था तो मैं इसके शूट ज़्यादातर ले नहीं पाया मैं, वरना मैं आपको सारे दिखा था कि इस गाड़ी कैसे कैसे। तो ये पूरी इसके अंदर छपरी नहीं झूठ बोल रहा है, तो पूरी तरीके से इसकी जो लुक है वो चेंज कर दी गई है। आप देख सकते हैं पूरा ग्राफिक वाले इसमें डीकल्स लगा दिए गए हैं जो कि लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा ये तो मैं नहीं कह सकता। मैं सिंपल सी बात है, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता, कोई छपरी कहेगा कोई कार्टून कहेगा, लेकिन भैया सिंपल सी बात है जो कस्टमर कराता है ना हम उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग काम करते हैं, हमारी पर्सनल कोई चॉइस नहीं होती है, आप जैसा चाहोगे वैसा काम हम कर देते हैं। और साथ में आपको देखने मिलता है इसके अंदर पीछे टायर, अगर ये देख सकते हैं आप टायर अगर लगा दिया गया इंपोर्टेड वाला फुल हैवी पत्ती के साथ लगा हुआ है, क्लैंप वगैरह सब मजबूत है इसका, टिका हुआ है कहीं जाने वाला नहीं है। साथ में आपको मिलते हैं टेल टेडी जो कि पीछे लगा दिए टेल टेडी, साथ में KTM स्टाइल इंडिकेटर भी लगे टेल टेडी के साथ। और आपको देखने मिल जाती है इसके अंदर ब्लिंकर जो कि आपके रेड कलर के लगे हुए, देखो ब्रेक लगाएंगे तो ये आपके ब्लिंक होते रहेंगे, ठीक है जी। ये आपका हो गया ब्लिंकर। और अब इसका सुनाता हूँ साउंड जो कि मेन है एग्जॉस्ट, लेकिन एग्जॉस्ट से पहले मैं थोड़ा सा और दिखाया था व्हील कवर। ये देखिए व्हील कवर भी लगा देगा इसके अंदर ब्लैक कलर के जो कि अल्टीमेट फिनिशिंग के साथ लगा देगा, पीछे ओनली पीछे लगा आगे नहीं लगाया इसके अंदर भी। और अब मैं आपको सुनाता हूँ इसके एग्जॉस्ट के साउंड जो कि इसमें लगा दिया, एक्रोपोविक का एग्जॉस्ट लगा रखा है, फुल सिस्टम बैंड पैक इसमें लगा हुआ है। अब सुन लो इसके साउंड, बहुत देर हो गई सुनते सुनाई देता हूँ आगे का। ये आपके आइडल पर है, किसकी देखी थी आपने? हमने भाई देखी थी सिकंदर भाई की। अच्छा, मेरे में देखी थी नहीं, आपकी बाद में देखी थी, राजू भाई के बाद में सर्च किया था मैंने, जो क्लियर है वो बता रहा हूँ मैं तो। सिकंदर भाई गोली मारो सर, राजू भाई को बस। तो भाई भाई का काम अच्छा होता है, ऐसी बात नहीं है, तो काम हुआ है जो मेरे अकॉर्डिंग मैंने बोला वो काम हो गया।
तो ऑल अबाउट कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग काम यहाँ पर हो जाता है। और एसकेडी की शॉप जो है वो जर्मन शॉप यही है, आप देख सकते हैं राजू भाई एसकेडी, ये एसकेडी हमारी शॉप। और एसकेडी की फुल मीनिंग में बताया तो हमें हर वीडियो में अपना रिवील करूंगा एसकेडी की मीनिंग क्या होती है। एस मीन्स होता है शालू, जो कि मेरी वाइफ का नाम है। के मीन्स हो गया आपका कुलदीप, जो कि बड़े बेटे का नाम है। डी का मतलब डुगू, जो कि मेरे छोटे बेटे का नाम है। तो ये मेरी फैमिली का नेम है, किसी का कॉपी नहीं किया हुआ है। और ये मेरी फर्स्ट शॉप जब से है तब से मैंने एसकेडी का नाम रखा हुआ है इधर। लेकिन जो मेरा छोटा बेटा हुआ था वो हुआ था आज से 2 साल पहले, तो जब वो हुआ था उसके बाद ही मैंने नाम चेंज किया था अपनी शॉप का। तो मैं हर वीडियो में रिवील करूंगा कि एसकेडी की मीनिंग क्या है। तो ध्यान रखें, ओनली फॉर रियल एसकेडी इज द राजू भाई, नॉट अदर देन। ओके, तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।